बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू रीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और उनकी बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी भी कंप्रोमाइज़ होती है। तो आई वुड टेल यू दी स्मार्ट अप्रोच टू रीडिंग दी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर CSS एंड PMS aspirants. Now, the CSS and PMS aspirants are rightly advised to read any of the English newspapers daily because the newspapers help the aspirants to keep themselves abreast of what is happening around. However, there is a flip side to this approach, और वो क्या है? वो ये है कि आम तौर पे बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो हैं अपना ज़्यादातर वक्त इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में ही लगा देते हैं। इस वजह से ये ज़रूरी समझा गया कि एक स्मार्ट अप्रोच जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने अडॉप्ट करनी है। ऐसे आपका टाइम भी बच जाएगा और आप इसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाएंगे न्यूज़पेपर रीडिंग को। सबसे पहले हम ब्रीफली देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों ज़रूरी है। इससे आपका करंट अफेयर तैयार होता है, GK तैयार होता है, वोकैब बिल्ड होती है, यू गेट द नॉलेज ऑफ पॉपुलर वर्ड्स एंड टर्म्स इन पर्टिकुलर। फिर आपका जो करंट डायमेंशन होती हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, वो आपको पता चलती हैं। फिर आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो नॉलेज है उसको कंटेक्सचुलाइज करते हैं इन द लाइट ऑफ करंट इवेंट्स एंड हैपनिंग्स। एक बात मैं बता दूं कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में करंट इवेंट्स को, रेलेवेंट करंट इवेंट्स को कोट करेंगे तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि ये शो करेगा कि आप अपडेटेड हैं। जैसा कि अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेज है तो उसमें अगर आप रिसेंट डेवलपमेंट्स को रेलेवेंट जगहों पे कोट करेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, तो ज़्यादा वो आपके लिए अच्छा इम्प्रेशन छोड़ेगा आपके एग्जामिनर पे। नाउ, अखबार पढ़ते हुए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कौन सी चीज़ों को जहन में रखना चाहिए? सबसे पहले ये बात आपने जहन में बिठानी है कि हर न्यूज़ आइटम जो है वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग एवरी न्यूज़ आइटम। बी वेरी सिलेक्टिव वाइल रीडिंग दी न्यूज़पेपर। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूज़ आइटम जो है वो आपने इग्नोर करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये आपको पता होना ज़रूरी है। आम तौर पे न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो 2 घंटे में ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन इनिशियली आप कि हो सकता है 5 से 6 घंटे लग जाएं, बट इट्स ओके। ग्रेजुअली ये टाइम कम होता जाएगा और आप 2 घंटे पे आ जाएंगे। यू शुड टेक नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स, पॉलिसी स्टेटमेंट्स एंड रेलेवेंट डेटा। आम तौर पे कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो कुछ न्यूज़ आइटम्स को जमा करते रहते हैं, उनकी क्लिपिंग्स निकालते रहते हैं, और उससे ये होता है कि आखिर में उनके पास वो जो एक बहुत बड़ा पुलंदा सा तैयार हो जाता है। तो ये आपने आदत नहीं बनानी। हर रोज़ का अखबार आपने हर रोज़ ख़त्म कर देना है, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। नोट डाउन द नेम्स ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज एंड देयर ऑफिसेज, नोट डाउन द पॉलिसी स्टेटमेंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट लीडर्स और ऑफिस होल्डर्स ऑफ स्टेट्स। दिस वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, कोई भी न्यूज़ आइटम पढ़ते हुए आपने ना आपके जहन में कुछ क्वेश्चन आने चाहिए। इन क्वेश्चन का जवाब तलाश करना ही आपके नॉलेज बेस को आगे बढ़ाएगा। ये बात मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। यू शुड सर्च फॉर द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन यूजिंग ऑनलाइन सोर्सेस, जिससे आपका नॉलेज बेस एक्सपेंड होगा और इससे आपकी रिटर्न की तैयारी के लिए भी और इंटरव्यू दोनों की तैयारी के लिए ये तरीका कार मुफीद है। यू शुड प्रेफर ऑफिशियल वेबसाइट सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट सोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो देन यू मे रेफर टू एनी ऑनलाइन सोर्स।
इफ यू सी एनी नाउ न्यूज न्यूज आइटम रिगार्डिंग सी पैक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सी पैक के बारे में हुकूमत पाकिस्तान की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मेंटेन करती है, मेंटेन बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। तो ये जो वेबसाइट गिवन है इससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आम तौर पे न्यूज़ आइटम्स में होता यह है कि एक पीस मील इंफॉर्मेशन दी जाती है, बैकग्राउंड या होलिस्टिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो आपको ये सारा खुद करना पड़ता है। आपने किसी भी न्यूज़ आइटम को एज एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे वो होगा, लेकिन आपने उसको कंटेक्सचुलाइज करना है एक बहुत बड़ी पिक्चर के साथ, क्योंकि एक न्यूज़ आइटम जो है वो जस्ट वन पीस ऑफ ए बिग पिक्चर है। यू शुड ट्राई टू हैव द मिसिंग पीसेज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द बिगर पिक्चर। यूज द रेलेवेंट न्यूज़ आइटम्स पब्लिश्ड इन दी इंग्लिश डेली टू टेक दी हिंट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई योर नॉलेज बेस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई योर नॉलेज गैप्स एंड एवरेज दीज गैप्स विद रिसर्च थ्रू ऑनलाइन सोर्सेज। व्हेनेवर यू सी द नेम्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सेनेट मेंशन्ड इन द न्यूज आइटम, यू शुड एक्सप्लोर द फॉलोइंग पॉइंट्स। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेट्स से आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में कुछ पढ़ा, यू शुड सर्च द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है ये इसका कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस हैं जो के रिलेट करती हैं इसके साथ, इसका हेड कौन होगा, इसके फंक्शंस क्या होंगे, इसके मेंबर्स और इसके हेड कैसे इलेक्ट होते हैं। इस तरीक़ाकार से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और इन सवालात के जवाब आपने हासिल करने हैं, ये सवालात आपने खुद बनाने हैं। आपको यू मस्ट हैव द डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान एंड यू आर गोइंग टू रीड एनी न्यूज आइटम एट द बिजनेस पेज, नोट डाउन द डेटा रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, लेस इंपॉर्टेंट फिगर्स मे बी इग्नोर्ड। आमतौर पर एक न्यूज़पेपर के ये कंटेंट होते हैं, ये पेजेस होते हैं, मेन पेज, नेशनल पेज, एडिटोरियल पेज, ओपिनियन पेज, बिजनेस, इंटरनेशनल न्यूज़, एड्स, मेट्रो, स्पोर्ट्स, स्पेशल एडिशंस अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द डे। लेट्स से 8 मार्च है, 23 मार्च है, 14 अगस्त है, इस हिसाब से आपको स्पेशल एडिशन मिलेंगे जो कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह की खबरों को आप ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत, इनको इग्नोर कर सकते हैं। लोकल न्यूज़ न्यूज़ विच मे डाई डाउन 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 सून, क्राइम रिपोर्ट्स, एंटरटेनमेंट सेक्शन, एड्स, शोबिज न्यूज़, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। 23 मार्च 2024 का डॉन मैं सैम्पल के तौर पे आपके सामने वहाँ से कुछ न्यूज़ आइटम्स ने सेलेक्ट किए हैं और इस स्ट्रेटेजी को मैंने इस मॉडल के तौर पे यूज़ किया है ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीन कैटेगरीज में मैंने तमाम न्यूज़ आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ए कैटेगरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं सीएसएस और पीएमएस के लिए, बी वाले जो हैं वो लेस इंपॉर्टेंट हैं और डिस्क्रिप्शन है रीडर की उनको पढ़ना चाहिए ना पढ़े, सी वाले जो हैं अन इम्पॉर्टेंट हैं फॉर दी कंपेरेटिव एग्जामिनेशंस। ये मेन पेज है, उसकी पहली खबर थी जो मेन हेडिंग थी वो थी पीएम सेट्स अप 7 कैबिनेट पैनल्स टू लीड ईसीसी सीसीओई। ये कैटेगरी ए में रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम था। तो इस न्यूज आइटम्स में कुछ पॉइंट लिए। दी पीएम ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ सेड दी रेकोडिक प्रोजेक्ट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ बलोचिस्तान। तो अब ये तो न्यूज़ आइटम है, अब असल में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से आपके माइंड में क्वेश्चन कौन से आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि यार ये है क्या, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है क्या, इसके फंक्शंस क्या हैं, और फिर ये कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ये क्या होगी और इसके फंक्शन क्या होंगे। तो ये आपने सर्च करने हैं खुद इंटरनेट से, रेकोडेक क्या है
और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये एरियाज आपने सर्च करने, इस तरीके से आपको अखबार पढ़नी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा न्यूज आइटम था उसी मेन पेज के ऊपर ही, एपेक्स कॉमेट एपेक्स कोर्ट रिस्टोर्स एक्स जज सिद्दीकी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ऐसी खबर है जो कि सीएसएस और पीएमएस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सी कैटेगरी में रखा है इसको मैंने। अच्छा, मेन पेज, अपोजिशन पार्टीज अपोजिशन प्रोटेस्ट एज केपी गवर्नमेंट इग्नोर्स असेंबली सेशन ऑर्डर, कैटेगरी बी है। ये खबर तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां से आपके जहन में जो क्वेश्चन आने चाहिए वो ये है कि कितनी सीट्स हैं एमएनए की केपी से, फिर बाकी सूबों से कितनी सीट्स हैं, कितने एमपीएस हैं हर प्रोविंशियल असेंबली से इंक्लूडिंग केपी। तो इस तरीके से आपको एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर जो है आनी चाहिए कि जो आप न्यूज़ आइटम पढ़ रहे हैं उससे आप कुछ और ऐसी चीज़ें निकाल सकें जो आपके काम है। दूसरा, ये मेन पेज के ऊपर है, तीसरी खबर है, सिक्योरिटी प्लेजेस फॉर वर्कर्स एज सी पैक सेट टू एक्सपेंड। सी पैक के बारे में छोटी सी खबर है, कैटेगरी में बी में रखा है। ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस खबर से जो क्वेश्चन आते हैं आपके माइंड में वो इम्पॉर्टेंट है। मसलन वो क्या है कि बीआरए क्या है, सीपैक प्रोजेक्ट्स हैं क्या, करंट स्टेटस क्या है सीपैक का, सीपैक का फ्यूचर क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, हाउ मेनी अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द चाइनीज नेशनल्स वर्किंग इन पाकिस्तान, एंड वाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैजुअल्टीज सो फार, वट आर डिफरेंट सीपैक प्रोजेक्ट्स, वट इज सिग्निफिकेंस ऑफ गोदर पोर्ट इन रिलेशन टू सीपैक। अब ये एक पूरी पिक्चर आपको, ये क्वेश्चन के जो जब जवाब ढूंढेंगे तो आपको पूरी पिक्चर इस बात की समझ आएगी। मेन पेज के ऊपर एक और खबर है, इनवॉइस सेज नो पॉज इन टाइज विद काबुल डिस्पाइट स्ट्राइक्स, कैटेगरी ए है। पाकिस्तान स्पेशल इनवॉय फॉर अफगानिस्तान आसिफ दुरानी है सेड देर इज नो पॉज इन रिलेशन विद दी तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पाइट रिसेंट मिलिट्री एक्शन। पाकिस्तान हैज प्रपोज दैट जॉइंट एफर्ट शुड बी मेड टू बोथ दी साइड्स बाई बोथ दी साइड्स टू काउंटर टेररिज्म एंड इंश्योर दैट वंस लैंड इज नॉट यूज अगेंस्ट दी सिक्योरिटी ऑफ दी अदर कंट्री। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए जो कि इस न्यूज आइटम का हिस्सा नहीं है, वाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अफगान तालिबान एंड तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वट इज द पॉलिसी पोजिशन ऑफ पाकिस्तान टुअर्ड दी बोथ एंटिटीज, हाउ एंड फ्रॉम वेयर गुल बहादुर ग्रुप ऑपरेट्स, वट आर दी बोन्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड दी प्रेजेंट तालिबान गवर्नमेंट, वट इज द इशू ऑफ अफगान रेफ्यूजीज इन पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाक अफगान रिलेशनशिप्स। जब आप इस चीज को पूरा सर्च करेंगे तो आपको इस खबर का कंटेक्स्ट अब समझ आएगा। बस मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी अखबार, किसी भी न्यूज आइटम को सरसरी तौर से पढ़ने से आपका नॉलेज बेस में कोई इजाफा नहीं होने वाला जब तक आप उसको इस एंगल से नहीं पढ़ेंगे। फिर एक पेज टू पे हम आ गए हैं, नेशनल सेंट्रल, इस पेज का नाम है डॉन, 23 मार्च 2024 का अखबार है। इसका न्यूज आइटम ये है कि डिकॉयट किल्ड 3 इंजर्ड इन कच्चा एरिया ऑपरेशन। ये जो है खबर वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको सी में रखा है, लेकिन हो सकता है अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, सीएसएस के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इसमें स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीएसपी को पहले चॉइस पर रखा होता है तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन, आप ये खबर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसके जो दीगर एंगल हैं जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और वो ये हैं। वाट इज द प्रॉब्लम विद द कच्चा एरिया, वाट आर वाई आर डकायट्स ऑपरेटिंग विद इम्प्योरिटी फ्रॉम दीज रिवराइन बेल्ट्स, वाट इज द जियोग्राफी ऑफ द कच्चा एरियाज, वट प्रॉब्लम दीज डकायट्स आर पोजिंग टू द स्टेट, वट आर द सोल्यूशंस। जब आप ये चीज़ों का जवाब तलाश करेंगे इंटरनेट से, ऑनलाइन सोर्सेज से, तो फिर आपको समझ आएगी कि इशू है क्या। बज़ाहिर ये खबर जो है ये इतनी ज़्यादा आपको हेल्पफुल नहीं होगी, ये जो एंगल है, ये जो एरियाज फॉर फर्दर रिसर्च हैं इनके ऊपर आपने फोकस करना, और ये आप खुद बना सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से जो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं वो आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब एक और खबर है, लाहौर फेसेस सार्जन क्राइम डिस्पाइट पुलिस एफर्ट्स, कैटेगरी सी है, कोई इसकी खास सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन आप ये सोच सकते हैं
कि वाई क्राइम इज ऑन द राइज इन दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ पाकिस्तान। ये आजकल के डिबेट भी होती रहती है और इसके ऊपर बहुत दबाव भी होती है। आपको ये आइडिया होना चाहिए और ये क्रिमिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलेवेंट है। फिर एक और खबर है पे टू नेशनल सेंट्रल पेज की, सनम अलाउड टू कंटेस्ट सेनेट इलेक्शंस। कैटेगरी सी है ये खबर, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक खातून को इजाज़त दे दी गई है। लेकिन अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो ये हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर दी सेनेटर्स, हाउ ए सेनेटर इज इलेक्टेड, व्हाट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द सेनेट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द सेनेट। ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक और खबर है पेज टू पे के ऊपर ही, ATC कंफर्म्स प्री अरेस्ट बेल ऑफ परवेज फैमिली मेंबर्स। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी कोई सिग्निफिकेंस आपके लिए नहीं है, तो सो यू मे इग्नोर दिस न्यूज आइटम। सो यू शुड अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी। इस तरह बाकी आप न्यूज आइटम पे भी यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करें और याद रखें कि एक न्यूज आइटम जो है वो आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में बताता है, बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपने खुद सर्च करने होते हैं, उसको सर्च करें और उसकी पिक्चर जो है उसको पूरा करें। इट इज़ यू हु कैन एक्सप्लोर दी फर्दर एस्पेक्ट्स इन ऑर्डर टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ ए बिगर पिक्चर। टू कंक्लूड, इट इज स्टेटेड दैट गोइंग थ्रू दी न्यूज़ पेपर लाइक ए कैजुअल रीडर वुड नॉट बी एनी यूज टू ए CSS आर ए PMS एस्पायरेंट। यू शुड अडॉप्ट ए स्मार्ट अप्रोच टू रीडिंग द न्यूज पेपर विच इंक्लूड टेकिंग नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट डेटा, फिगर्स एंड पॉलिसी स्टेटमेंट्स, एंड मेकिंग रिसर्च ऑन दी एस्पेक्ट्स विच रिमेन्ड अनटच्ड बाई द न्यूज आइटम्स। नेवर हेजिटेट इन गोइंग एक्स्ट्रा माइल इन ऑर्डर टू अचीव एक्सीलेंस। इफ यू पुट मोर हार्ड वर्क इन न्यूज पेपर रीडिंग एट द इनिशियल स्टेज, न्यूज पेपर रीडिंग वुड ग्रेजुअली बिकम इजियर फॉर यू बिकॉज यूर नॉलेज बेस वुड बी एनहेंस्ड बाई यूर रिसर्च ऑन दी एस्पेक्ट्स नॉट मैंशन इन दी न्यूज पेपर। सो आई होप आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपके खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।